सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। दोस्तों AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 1200 के ऊपर कारोबार कर रहे है। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है दोस्तों ये। तो कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कि शेयर प्राइस 1200 के ऊपर है तो इसके फाइनेंशियल नंबरों की बात करेंगे और उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे। AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस 1220-1230 के आसपास आज ये कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल का रिटर्न मात्र 8% का है और 2021 में सितंबर के महीने में इसका IPO आया था। 600 का IPO का प्राइस था। उसके बाद इसमें एक तेज़ी देखने को मिली थी, 1298-1300 तक गया था और उसके बाद गिरावट आई। ये स्टॉक पिछले 2-3 साल में जो इसकी रेंज बनी है दोस्तों, नीचे का जो लो है 1000, ऊपर की तरफ का जो हाई है लगभग 1300, इसके बीच घूमे हैं अपने IPO प्राइस के बाद। और पिछले एक साल का रिटर्न मात्र 8% का है और केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, तो केमिकल सेक्टर में एक तरह से पिछले 2-3 महीने में तेज़ी भी बनी है। लेकिन ये स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा है दोस्तों। और इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में जो इसका रेवेन्यू था 224 करोड़ का था और इससे पहले क्वार्टर में 166 करोड़ का था और एक साल पहले 186 करोड़ का था। और टोटल इनकम 226 करोड़ का था और 169 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 186 करोड़ का था। तो अब की बार का इसका टोटल इनकम बढ़कर आया था, रेवेन्यू बढ़ा था सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 25 करोड़ का और 17 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले था और 27 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 25 करोड़, 17 करोड़, 27 करोड़, इस तरह का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू है अब की बार बड़ा है 226 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जिससे शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगता है तो 6.85 का है, 4.58 का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 7.47 का था। तो चौथी तिमाही में इसका रेवेन्यू बढ़ा था दोस्तों और प्रॉफिट 25 करोड़ का था, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया था, सालाना कम था, आसपास ही था, 27 करोड़ एक साल पहले था तो 25 करोड़ का अब की बार था। तो ये Q4 के नंबर्स थे और तो ये Q4 FY24 के नंबर्स थे। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4480 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 170 का। डिविडेंड यील्ड है 0.24% का। EPS है 12.15 का और ROE है 11.90% का दोस्तों। और इसका जो PE रेशियो है, जो PE रेशियो के अनुसार कारोबार करते हैं, 99 का है दोस्तों, 100 के आसपास का PE रेशियो है। और डेप टू इक्विटी है 0.16 का है दोस्तों। तो अगर हम PE रेशियो के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है। PE रेशियो के अनुसार देखते हैं तो ओवर वैल्यू स्टॉक है और बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 7 से 8 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस। 170 का बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस है 1200 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 39.91% की है और FIs की जो होल्डिंग है 8.97% की है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 3.92% की है। तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं जिसमें इसका PE रेशियो की बात करते हैं तो काफ़ी ऊपर की तरफ है, ओवर वैल्यूडेड है। और बुक वैल्यू पर शेयर के अनुसार बात करते हैं 7 से 8 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों फंडामेंटल्स में देखते हैं तो। और आगे इसका रेवेन्यू बढ़ता है 20 से 25% बढ़ता है और अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो स्टॉक में 15 से 20% की तेज़ी देखने को मिल सकती है, वो भी 2 साल में दोस्तों। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1000 से 1300 के बीच घूम रहा है, बुल और बियर्स के बीच संघर्ष बना हुआ है और 1000 के नीचे ये क्लोजिंग देगा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार का शेयर प्राइस का बिहेव है, ट्रेंड है, एक रेंज में ही घूम रहा है दोस्तों। और बिजनेस की बात करते हैं तो अगले 2-3 साल तक इसी तरह का इनका बिजनेस होता हुआ नजर आ सकता है।
15-20% की ग्रोथ होगी, तब स्टॉक में मान के चलिए कि 15-20% इसमें तेजी बन सकती है। अभी केमिकल सेक्टर में एक तेजी बनी है, लेकिन ये स्टॉक अभी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। कोई भी शेयर में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए।